जवाजा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत अतितमंड में ग्राम पंचायत की सिवायचक भूमि पर खनन लीज स्वीकृत करने की ग्रामीणों ने विरोध किया है। खनन लीज को निरस्त करने की मांग को लेकर सोमवार को गांव की महिलाओं तथा पुरुषों ने सरपंच दुष्यंत सिंह रावत के नेतृत्व में रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया। एसडीएम मधुर सिंह को दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि खनन विभाग ने ग्राम पंचायत अतितमंड की सिवायचक भूमि पर ग्राम पंचायत की एनओसी के बगैर ही खनन कार्य हेतु लीज स्वीकृत कर दी। ग्रामीणों ने बताया कि जिस स्थान पर खनन विभाग ने खनन लीज जारी की है, इस स्थान से ग्रामीण पट्टियां कातले तथा पत्थर निकालकर अपनी आजीविका चलाते हैं। अब जब खनन विभाग ने यहां पर खनन लीज स्वीकृत कर दी है, जिसके कारण ग्रामीणों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों की रोजी रोटी को ध्यान में रखते हुए सिवायचक भूमि पर स्वीकृत की गई लीज को निरस्त करने की मांग की है। इस दौरान उपखंड अधिकारी सिंह ने शीघ्र ही उक्त प्रकरण की जांच करवाकर ग्रामीणों को राहत देने का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में सरपंच दुष्यंत सिंह रावत, महेंद्र सिंह, राजकुमार सिंह, पूरण सिंह, मंगल सिंह, प्रहलाद कुमार, सोहन सिंह, प्रीतम सिंह तथा बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी। ग्रामवासियों ने ज्ञापन दिया है कि खनन विभाग के द्वारा ग्राम पंचायत अतितमंड की जो सिवायचक जमीन है, उसमें से 54 बीघा जमीन बिना ग्राम पंचायत की अनापत्ति के लीज पर दे दी गई है, जो पूर्णतः गलत है। क्योंकि हम सभी ग्रामवासी इस जमीन में जब से रह रहे हैं, तब से अपनी मजदूरी करके घर चलाते हैं लोग। अगर ऐसे लीज अगर शुरू हो जाती है तो पूरे गाँव पूरा बेरोजगार होगा और उस बेरोजगारी से लोग गलत एनएसी कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पूर्व में हमारे गाँव के लोग हथकड़ शराब का काम करते थे, लेकिन उस समय 2008 में गांव के ही 8 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद में तत्कालीन जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो और उस समय के जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने गांव वालों को ये कहा था कि आप हथकड़ शराब का काम बंद करके आप मजदूरी का काम करें, ये आप जो खानों का काम अगर आप आता है तो वो काम शुरू कर दें। तो उस 2008 से लेकर अब तक हम ये काम कर रहे थे, लेकिन अभी सरकार की गलती की सजा हम ग्रामीणों को भुगतनी पड़ रही है। सभी पूरा का पूरा गांव बेरोजगार हुआ है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस नीलामी को रद्द किया जाए, नहीं तो पूरा गांव बेरोजगार होगा और पूरा गांव सड़कों पे उतरेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अरे जिसको देखो दे रहे हैं लोन लोन लोन, और इसको उसको सबको चाहिए लोन लोन लोन। अरे लोन, पर लोन, ये कौन सा ऐसे ही लोन? कभी सही इंटरेस्ट तो बोल, छुपी शर्तों का झोल। अरे स्टॉप, अब हर सपना होगा पूरा जो तेरा है अधूरा, और IIFL फाइनेंस पे है मेरा भरोसा पूरा। गोल्ड से लेकर बिजनेस, पर्सनल से लेकर होम, हर जरूरत को मिलेगा लोन। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात।